हर वर्ष की तरह इस बार भी देसी नहीं बल्कि विदेशी भक्तों द्वारा भी गोवर्धन पूजा मनाई गई। इस बार इस्कॉन से जुड़े कृष्ण भक्तों ने एक दिन बाद गोवर्धन पूजा की। वृंदावन इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मना गोवर्धन पूजा उत्सव। धर्मनगरी वृंदावन में 5 दिवसीय दीपावली पर्व के अंतर्गत गोवर्धन पूजा की धूम मची हुई है, जिसमें ब्रजवासी ही नहीं बल्कि विदेशी भक्त भी श्री गिरिराज धरण के रंग में रंगे हुए हैं। ऐसा ही मनभावन दृश्य रमण रेती मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में नजर आया, जहाँ प्रतिवर्ष की भांति सूजी के हलवे से गोवर्धन पर्वत तैयार किया गया और इस विशेष पर्वत को फल फूल मोर पंख व 56 प्रकार के व्यंजनों से सजाया गया। इस्कॉन मंदिर में आयोजित इस अद्भुत उत्सव में प्रातः से ही देश विदेश के सैकड़ों श्रद्धालु भक्त उमड़ने लगे और सभी ने श्री गोवर्धन महाराज का पूजन व परिक्रमा कर पुण्य लाभ कमाया तथा भजन संकीर्तन ध्वनि के मध्य उत्सव का जमकर आनंद तथा भजन संकीर्तन ध्वनि के मध्य उत्सव का जमकर आनंद लिया। आज हमने भगवान का अभिषेक करवाया और गोवर्धन पूजा हमने यहाँ पे बहुत अच्छे जो बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है उसको हमने आज यहाँ पे किया। कहाँ कहाँ से भक्त आए थे आज? आज भक्तों में काफ़ी कोरोना के चलते भक्तों में बहुत भारी गिरावट हमने देखा है। पिछले साल मंदिर खचाखच भरा हुआ था, लोग बहुत उत्साह से आए थे। इस बार शायद कोरोना के डर से 10% 15% ही भक्त आ पाए। विदेशों से बहुत भक्त कम आए, कुछ भक्त NCR से आए हैं और कुछ भक्त हमारे यहाँ के लोकल है जो हमारे कॉन्ग्रीगेशन मेंबर्स हैं, वो काफ़ी मात्रा में आए थे। कितने कितने किलो के अन्न से बनाया गया था ये गोवर्धन? ये हम तकरीबन 300 किलो के अन्न से बनाते हैं। इसमें प्योर फॉर्म ऑफ मावा, दूध, घी, मक्खन, इन चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा कई किस्म के फल, कई किस्म के मिठाई, उससे हम गोवर्धन पर्वत का निर्माण करते हैं।